नमस्कार गायत्री हाइकोर्ट रे आगुआ जमीन आवेदन करिछंती अभिनेता बाबूसान पत्नी तृप्ति शतपथी द्वारा दायर मामलें गिरफ्तारी एड़ाइबा आवेदन करिछंती बाबूसान स्टार कोली नहीं खारवेल नगर थाना रे रुजु होई छी मामला बाबूसान विरोध में 498 क 506 दफा रुजु होई छी मामला पत्नी को निर्यातना देथिबा नै मामला दायर होई छी 498 जेहेतु एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस खाली बाबूसान नुह आउ जे हे थंदा मध्यम एडवोकेट माने ताको एडवाइज करथन तो अपन जानतो एंटीसिपेटरी बेल आनतो कारण पुलिस कैन अरेस्ट विद वारंट तेनु सेथि पई जेहेतु अरेस्ट भय अछि एवं से माने सेलिब्रिटी सेथि पई ताको एंटीसिपेटरी बेल ही एकमात्र विकल्प जोथि पई से एंटीसिपेटरी बेल पई फाइल करछन से कहउछन गोटे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अन्य झीटे सागर संपर्क रखिकी मत से नेग्लेक्ट कर जो कि मत अत्याचारित बोली उपलब्धि करो कि मत आज एफआईआर देखा पड़ा तेणु एमती एक स्वामी स्त्री डिफरेन्स जो एतला जेहेतु केवल 498 दफा अच्छी से आम एक आगुआ जमीन हाइकोर्ट आगुआ जमीन फाइल करफिस् फाइल कर एवं आशा कर हाइकोर्ट 498 दफार साधारण यह सब घटन लिबराली डिसाइड लिबराली विचार करते एवं आशा करुच्ची जेहतु हाइकोर्ट केस अच्छी आगु क्रेडिट कर बेल हो बेल नहब ता ठीक हम नहीं आशा करुच्ची केस निश्चिंत भाव से आगुआ जमीन मान्यवर हाइकोर्ट प्रदान कर आगुरु कथा हेतला हम काले कॉल दपाला हम जानु छन कथा किछ नै सो कपडा किछ केस किछ हबनी ना मिसिबे तो 100% विश्राम पे को दुई दिन ना अलका किछ आपन से कंपर सेई भीतर किछ किछ नै किछ नै सुन तो बापा देव बोलने से आसला बापा देव आगो सुजु मीडिया फिडे पछ कथा फिल्म फिल्म पछ कथा आगे वाला बापा कथा बापा मा को कथा बुझु जे सुबे तो बुझु पुलिस स्वामी जो ता स्त्री और छुआ को पाठो मध्य जिबे 100% समान ठीक आछे ने सेने से फोन कर कथा देले बुझल आठ दस थर रक्त जाजपुर जिला धर्मशाला तहसील अधीन विभिन्न पहाड़ में प्रशासन पक्षर चढ़ाऊ धर्मशाला तहसील अधीन बाघुआ पहाड़ में स्थानीय तहसीलदार और जेनापुर पुलिस पक्षर मिलित चढ़ाऊ कर ट्राक्टर और गोटे मिनी ट्रक जबत कर लीज न थी सैरातु लघु खनिज उत्तोलन करुवा समय चढ़ाऊ कर दीर्घ दिन धरी धर्मशाला तहसील अधीन कौन से लीज न थी विभिन्न पहाड़ माफिया मैंने कलापथर लुट कर फल सरकार लक्षाधिक टंकार राजस्व हराउंट अंपटे धर्मशाला तहसील प्रशासन और जेनापुर पुलिस पक्षर बिछाखंडी पहाड़ उपर चढ़ाऊ कर सेठार बेआईन भाव में कलापथर उत्तोलन में व्यवहृत होता पांचटी पोक्लेन मेसीन और दुईट कंप्रेसर को जबत कर सूचना मिली तेज ये सबू अंचल बेआईन लघु खनिज कारबार बढ़ी चलता बेले प्रशासन पक्षर विभिन्न समय पृथक पृथक स्थान में चढ़ाव जारी रही इन जेनापुर पुलिस थाना रे मामला रुजु कर घटनार अधिक तदंत चल अन्य मानंको आलोक प्रदान करुथवा गां निजे सडुछि अंधार रे दीपतळ अंधार परि जेउठी विद्युत शक्ति उत्पादन हेउछि सेही गां रे नाही बिजुली केवल सेथिकि नुहे गां को जिबा पई रास्ता नथिबा बेले शिक्षा स्वास्थ्य पानीय जल भळी मौलिक सुविधारु वंचित होइछन्ती सिंगिनाळी बासिंदा अंधारी गां सिंगिनाळीरु देखिबा हमरो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दीपतल अंधार अन्य मानकु बिजुली जोगाउथुबा गां अंधार रे नाही बिजुली पानी पा सड़क शोष मेटाउछि चुआ पानी 25 किलोमीटर दूर रे डाक्तरखाना केन्दुछर आनंदपुर ब्लॉक रो बुढ़ीकुद पंचायत रे सिंगिनाली गां रो एमिति अनेक समस्या गां को जिबा बेले रास्ता रे पड़े बैतरणी नदी रे जल विद्युत प्रकल्प पई तयारी होइतिबा पोलो बैतरणी विद्युत प्रकल्प जरिया रे अनेकंकु बिजुली आलो जोगाउथुबा सिंगिनाली गां किंतु एबे भी अंधारे सड़ुची गाँ रास्तार पादरे चली चली जीवा कष्टकर गाँव में स्कूल घर नथिबारु कम्युनिटी सेंटर रे बसी पिला माने पाठ पढ़ती
एठारे जने मात्र शिक्षक रहितिबारु कोनोसी कारणरु से छुट्टी नेले पाठपढ़ा बंद हो जाए विकास धारा रे शामिल हेबाकु चाहुतबा लोके एथिरु वंचित होइतिबा अभिजोग करछन्ती गाँवरे तो आम किसी सुविधा नहीं रास्ता घाट पूरा असुविधा अच्छे स्कूल भी नहीं पिला माने भी पाठ पढ़ापी टीचर भी जन अच्छा सेमती घर केते जन पाई आठ कंपानी पाखे अच्छे कंपानी किसी लोक मान देखुन पाखे थे भी कंपानी आम जो करंट विद्युत उत्पादन करकर भी ये करंट भी नहीं अंधार रे असुविधा अच्छु आउ आमर पानी पिया पानी बे नाळ पछा पानी को आमे व्यवहार करचु बड़ो पहाड़ घेरा सिंगी नाली गाँव रे बास करती 50 रु अधिक गरीब आदिवासी परिवार गाँव रो एकमात्र नलकुओ अचल होई पड़िथिबारु लोके चुआ पानी व्यवहार करबाकु बाध्य हेउछंती नाना रोगरे पडुथुबा अभिजोग करुछंती सबुटु अधिक जंत्रणा देउछि स्वास्थ्य सेवा बेळ अबळरे देह खराब हेले 25 किलोमीटर दूर डाक्टरखाना को जीवाक पड़े गांव अधिकांश परिवार को सरकारी पक्का घर खंडी मिल पारि नाही बारंबार पंचायत ब्लॉक स्तर रे फेरा देबा पर भी समस्या समाधान हेउ नथिबा वार्ड मेंबर कहिसेंती कंपनी गांव को छाडू नांती बोल से माने गेट पकई देउछंती आ ओ बटे को रास्ता भी नाही सेटा भी कहिलो जे ब्लॉक वाला को हो कबो हो काई कहू नाही पानी जलो टेबल भी खराब होई ताको कहिलो जे आउ नुआ होले जे हबो नरे न हबो न बोली कहले ब्लॉक वाला ब्लॉक वाला को भी पंचायत रे भी कहै छी हमर रोड रास्ता खराब किंतु एपटे जो लाइन करडबा पे कहली से लाइट करडबा भी किछि देले नै सोलर कोंडे देले सेटा भी खराब अछि वर्तमान के गेला लोक हमर सिंगिनाड़ी गाडा पूरा परिस्थित अवस्था चारियाड़े बुल्लाड़े को टिके कादुओ आउ टिके भी कोड़े बोली पारु नांती दीपतळ अंधार परी शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन विद्युत एवं पानी जल रु वंचित सिंगिनाड़ी गां एही गाँ प्रति सरकारी दृष्टि दाबी हेउछि केन्दुझर जिला आनंदपुर ब्लॉक सिंगिनाळ गाँव अभगर महापात्र न्यूज 18 ओडिया कोरापुट जिलार विभिन्न सहरांचल को गमनागमन व्यवस्था को सरल करिबा लक्ष्य नै गढ़ीथिला सिटी बस हेले योजना फेल मारिथिबा बेले रास्ता कडरे खत खाउछि कोटी कोटी टंकार बस गोटिए पटे प्रशासनर परिचालनागत त्रुटि को दायी करा जाउछि अन्य पटे गमनागमन रे लोके असुविधा भोगी चालिछन्ति कोरापुट जिले थिबा सहरांचल मध्यरे जोगाजोग पई 6 वर्ष तले आरंभ होइथिला सिटी बस सेवा कोटपाड़ दामनजोड़ी जाए सहरांचल को जोड़ुथिबा एही बस सेवार परिचालना दायित्व नेइथिला गीतांजलि ट्रांसपोर्ट संस्था किंतु केतेबेले रूट परमिट तो केतेबेले घरै बस संघ सह विवाद केतेबेले पुणी सिटी बस कर्मचारी आंदोलन जोगु शेषरे बस चलाचल संपूर्ण बंद होइ पड़िछि आउ यहार परिणाम भोगुछन्ति जिला बासिंदा जेहेतु प्रशासन इंटरेस्ट दे तो आज आम देखु तार अवस्था बहुत खराब एवं आग को आशा करमती गाड़ी भी आसो कि न हो राज्य सरकार तापर गोटे भल भाव डिसीजन निमी भल भाव परिचालना करपुर चिंता करूँ जो प्राइवेट बस गुड़ाकला से बस गुड़ा कौन कर दाम तो बढ़े सहित पूरा ठेला पेला पूरा करके नौ जो द्वारा आमको असुविधा हो तो जदि गवर्नमेंट से सिटी बस को पुणी थरा एक्टिव करि थन्ते आमन को सुविधा हे थन्ता विभिन्न दुर्गम अंचल जयपुर शहर मध्यरे जोगाजोग रखिबा को समुदाय 10टी बस चलाचल करथुला किंतु किछि दिन चालिबा परे बस गुड़िक संपूर्ण भाबे भांगी रुजी नष्ट होइ गलाणी कोटी कोटी टंकार सिटी बस एबे खत खाउछि पछे लोकंक कामरे लागि पारु नाही तबे पुणी थरे ई सेवा उपलब्ध करा जे ओबली कोरापुट जिलापाल कहिछंती एथिपई स्थिति अनुध्यान करी रिपोर्ट देबाकू परिवहन विभाग को निर्देश दिया जायछि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रे से कहिछंती कि बस सब एबे कंडम कंडीशन रे अछि तापई स्टेट गवर्नमेंट हमको आश्वासन दैछि कि जदि नुवा प्रपोजल टा हमर तरफ रु जीवो से माने नुवा बस हमको प्रोवाइड करिवे तो सेई दिगरे हमें चेष्टा करूछु रूट्स आउ टाइम फाइनलाइज करिबाटा मेन कथा अछि जिलापालंक प्रतिश्रुति जिलावासींको आश्वासन तो देव निश्चय तेबे खत खाउथिबा कोटी कोटी टंकार एही अचल बसर भाग्य को नै एबे प्रश्नवाची सृष्टि होईछि कोरापुट चितरंजन चौधरी न्यूज 18 ओडिया
बरगढ़ सहरर नूतन घरै बसस्टाण्ड्रे बस चलाचल विवाद परे एबे सहरर पुरुणा बसस्टाण्ड्रे पौर परिषदर पाचेरी निर्माण पुनै मुहामुही होइछन्ती जिल्ला घरै बस मालिक संघ एवं बरगढ़ पौर परिषद। पौर परिषद पक्षरु निर्माण करा जाउथुवा पाचेरी को दृढ़ विरोध करिछि बरगढ़ जिला बस मालिक संघ। प्रशासन कार्य प्रतिवाद रे बरगढ़ जिल्लारु बलांगीर सोनपुर संबलपुर भुवनेश्वर कटक छत्तीसगढ़ राज्य को बस चलाचल बंद करिछि घरै बस मालिक संघ। पुरुणा बसस्टाण्ड रे बस डिपो वाटर सर्विसिंग स्टेशन मोटर मेकानिक बस ड्राइवर एवं हेल्पर को पाई विश्राम गृह आदि निर्माण करबा को जिलापाल लिखित प्रतिश्रुति देतिले मात्र पौर परिषद ताहा कार्यकारी करबा बदल रे ओलोटा दादागिरी करथुवा अभिजो करिछे संघ। 15 दफा दाबी पूरण करा जिबा एवं बेआइन पाचेरी निर्माण बंद न हेबा पर्यंत घरै बस चलाचल बंद रहिबो बोली बस मालिक संघ चेतावनी देछि। अन्यपटे घरै बस चलाचल जोगु यात्री को जीवन यात्रा ठप होई पड़िछि। बस बंद जोगु यात्री माने नाही नथिबा असुविधा भोगुछंती तेबे पुरुणा बस स्टाण्ड रे ट्राफिक समस्या सहित असामाजिक युवक एवं निशाग्रस्तक अड्डा स्थली पालटी थिबारु सेठारे जिलापालक निर्देश रे पाचेरी निर्माण करा जाउथुबा बरगढ़ पौर परिषद निर्वाही अधिकारी कहिछंती घरै बस मालिकों सह आलोचना करी बस चलाचल समस्या समाधान करा जीव बोली से प्रतिश्रुति देछंती। विवाद नहीं से दादागिरी है म्युनिसिपालिटी दादागिरी करुच्छी जेन जिनस करवा कथा से अननेसेसरी दादागिरी कर बंदूक गन पॉइंट रे तार कथा के हासिल करवार चेष्टा चली जेनता कि से बस स्टैंड रे जदि एका सांगरे एतकीटे बस रही बोले जगह ना हुए मालिक मैंने बंद कर पदमपुर जीवार लगे पूरा हैरान हो गाड़ी मोटर सब बंद हो खाना पीना भी नहीं मिलवार होटेल पतर सब बंद हो मानवर जिलापाल चाहूँगी सेठी जेहेतु इलिगली पार्किंग होता बस गुड़ाक लोक असामाजिक तत्व से एकत्रित न्यूसेंसेस बढ़ी जाता रोकने जिलापाल निर्देश देते से जगह को बैरिकेटिंग भिड़ केमती करता पदक्षेप नि बालेश्वर जिला नीलगिरी में पुणी हाथी मृत्यु कुलडीहा अभयारण्य अधीन चेमचटा ठारे 3-4 वर्षर छुआ हाथी मृत्यु घटनास्थल में बालेश्वर डीएफओ समेत कुलडिया वन विभाग तदंत जारी रही चलित बर्ष 7 मास भितर यह मिसाई मोट 5 हाथी मृत्यु होई तेबे हाथी हाथी मध्य लड़े जो छुआ हाथी मृत्यु होता सन्देह कर महानदी सातकोशिया गंडरे बर्षर प्रथम बन्या जल प्रवाहित होउछि जदियो एठारे बन्या हेबार कोनोसी स्थिति उपुजि नाही तेबे घड़ियाल छुआंक पई विपद सृष्टि होइछि कारण गत वर्ष बन्या जलरे प्राय 28 घड़ियाल छुआ भासी जाइथिले चलित थरो किछि घड़ियाल छुआ भासी जाइथिबा बेले सेमानंकु उद्धार करा जाइछि एबे सेमानंकु सुरक्षा वन विभाग पई चैलेंज हेबो। महानदी सातकोशिया गंडरे बर्षर प्रथम बन्याजल प्रभावित होउछि स्रोत भी प्रखर रहिछि हीराकुदर जदि अधिक गेट खोला जाए नदी कूळरे बसवास करथुबा लोकंक प्रति विपद रहिछि किंतु वर्तमान सुधा सेभळि स्थिति सृष्टि होइ नाही तेबे गंडर प्राकृतिक आवास स्थळीरे जन्म नेउथुबा बिरळ घड़ियाळ छुआंक प्रति विपद सृष्टि होइछि कारण 2021 मे मास 27 तारिखरे सातकोशिया बलदमराठारे दीर्घ 40 वर्ष परे 28 घड़ियाळ छुआ जन्म होइथिले सेहीपरि चलित वर्ष मे मास 10 तारिखर मध्य सातकोशिया गंडरे 32 छुआ जन्म होइछंती किंतु 2021 रे जन्म होइतिबा गोटिए हेले छुआ नजर को आसुनाहांति एही 32 जाक घड़ियाल छुआ एबे केउठी से नै किछि जणा पडु नाही एपरि कि मा घड़ियाल रो अवस्थिति मध्य जणा पडु नाही बन्या जळरे सेमाने भासी जाइतिबा कुआ जाउछि कुबेर छुआ सार से उपरे जाइथला सुना खणिया पहाड़ बे हाड़ खुलो रे जाइथला जे फर्स्ट बेला जे जाइए वाचर मैंने जगिक रोते ये गुड़पा है कुआडे कुआडे गले पता मिलूना बोली जहाँ वाचर मैंने कहते डीएफ को कंजरभेटर को कहते पा दुई तीन दिन है पा बढ़ी आसी जोर से पा कम थिला जिते झरी आसला बर्षा है पाटा बढ़ी जाइए हीराकूद गेट आसीनि आसब बोधे आस बढ़ ना पा दबिक अच्छे आ कुंभीर गुड़ाक घड़ियाल छुआ जो दे गुड़पा भासी जाइंट कुआडे आम जान दीर्घ 40 वर्ष पर सातकोशिया प्राकृतिक आवास स्थळी रे घड़ियाल कुंभीर दुई दुई थर छुआ जन्म करथिले प्रथम थर सबु छुआ बन्या जळरे भासी गले एबे द्वितीय थर जन्म होइतिबा 32 छुआ सुरक्षित रहिबे बोली आशा करा जाउथला किंतु पूर्ण बन्या जळ प्रभावित होउथबा जोगु
ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଘଡ଼ିଆଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 19 ଘଡ଼ିଆଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାଧୁଛି। ସାତକୋଶିଆ ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଛୁଆ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 28 ଛୁଆ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖୋଦ ଖବର ମଧ୍ୟ ବନାଇବା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ଆ ଉପରେ ପ୍ରପର୍ଲି ମନିଟରିଂ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପର୍ସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। କିଛି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଆମର ପାଣିରେ ଭାସିଯିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ଛୁଆ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ମଟନ ମାଆ ଆଉ ବାପା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ହିଁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି, ତ ସେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଫଳରେ ଘଡ଼ିଆଳ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଘଡ଼ିଆଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦିଓ ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନି, ତେବେ ଗତ ମାସରେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିଆଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳୁନି, ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହାର କୌଣସି ପତା ପାଉନି ବନ ବିଭାଗ। ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ ବେରୀ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦିଗରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗର ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ଭାରତୀୟ ନବସୃଜନ ସୂଚୀ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସପ୍ତମ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 7 ଅଗଷ୍ଟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବୈଠକରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କଟକରେ ଭୁଲ ଭୁଲେୟା କଟକ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଏହି ମଜାଦାର ଦର୍ପଣ ପ୍ରହେଳିକା। ଥରେ ଏହି ଭୁଲ ଭୁଲେୟା ମଧ୍ୟରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଲୋକେ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବାଟବଣା। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଭୀର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣର ରୋମାଞ୍ଚ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଦର୍ପଣର ଚମତ୍କାରିତା ମାନେ ମିରର ଇଫେକ୍ଟ। ଏହା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କଥା ସରିଲା, କେଉଁପଟେ ରାସ୍ତା, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଉ ମିଳିବନି ବାଟ, ସବୁଆଡ଼େ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ତା ଭିତରେ ହୋଇଯିବେ ବାଟମଣା, ଆଉ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଉଥିବ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଆଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ। ତା ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଥିବେ ଆପଣ, ଖୋଜୁଥିବେ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସାହା ହାତରେ ଥିବା ବାଡ଼ି, ଏହି ବାଡ଼ିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କଟକ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଖୋଲିଥିବା ଏହି ଭୁଲଭୁଲିଆ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏଇଟା ନଥିଲା, ତ ଏଇଠି ପଶିଲା ବେଳକୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। ମଜାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କଟକରେ ଏଭଳି ଗୋଟା ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ
ପଶିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଏକ୍ଜିଟ୍ କେଉଁପଟେ ହେବେ। ଏଇଟା ଦର୍ପଣର ଇଫେକ୍ଟଟା ମାନେ ଆମର ମିରର୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଡବଲ ସାଇଡ୍ ଯେତେଟା ମିରର୍ ହେଲା ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ପଡ଼ୁଛି ତ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଡ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ସେମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ଭୁଲଭୁଲେୟା। କାର୍ଟୁନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଏହା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି 11ଟି ନୂଆ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିରଳ ମାଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିୟମର କ୍ୟୁରେଟର। କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଠି, ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟ। ଆପଣ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଦର୍ପଣର କୋହଳିକା ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ପାଇବେନି ହଜିଯିବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଭେଟିବେ ମିରର୍ ଭିତରେ। ଭୁଲଭୁଲେୟାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଲୋକେ, ଥରେ ଯିଏ ଆସିଛି ପୁଣି ଆସିବାକୁ ମନ ବଳାଉଛି। କଟକରୁ ଦେବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।